आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम दिल्ली के अंदर करे, अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, वुमेन सिक्योरिटी को लेकर, वुमेन सेफ्टी को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, रोड्स को लेकर, पानी को लेकर, सीवर को लेकर, और जो डेवलपमेंट के काम करें, रोज़गार को लेकर, उनसे सब लोग आज पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है इत्तेफाक रखते हैं और मुतासिर हैं। उस जिस वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में पहले ये एक आम आदमी पार्टी का जो चिराग जला था वो दिल्ली से जला था, और ये मशाल बनते बनते माशाल्लाह पंजाब में आया, और अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लोग दिल से इसको चाह रहे हैं। तो मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और यहाँ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी जो है वो डेवलपमेंट की बात करती है, ना वो मज़हब की बात करती, ना वो जाति की बात करती, ना वो किसी धर्म की बात करती, ना रिलीजन की बात करती है। आम आदमी पार्टी का मकसद है कि हर बच्चा हमारा एजुकेटेड हो और हर बच्चे के पास रोज़गार हो। आम आदमी पार्टी का मकसद है हर इंसान को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले, अच्छा इलाज मिले और फ्री मिले। आम आदमी पार्टी का मकसद है आज कश्मीर स्टेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और फिर भी श्रीनगर में घंटों घंटों लाइट जाती है और आप लोगों को पैसा भी देना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब दिल्ली में गवर्नमेंट बनाई थी तो वादा किया था कि दिल्ली की आवाम को बिजली के दाम आधे करेंगे, और उन्होंने उससे बढ़कर काम किया। क्या किया? बिजली के दाम बिल्कुल 200 यूनिट तक फ्री कर दिए पूरे आवाम के लिए। आज वहाँ 49 लाख फैमिलीज़ का बिल जो है ज़ीरो आता, बिल्कुल ज़ीरो। तो इंशाल्लाह यहाँ भी हम लोगों को बिजली, क्योंकि यहाँ जनरेट होती है तो यहाँ के लोगों का हक बनता है। यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज, इतने अल्लाह ने इतने नेचुरल रिसोर्सेज से कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को नवाजा है कि मैं समझता हूँ कि इतनी नेमतों से नवाजा है कि यहाँ के लोगों का हक बनता है, उन्हें बिजली फ्री मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिलनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास, उनका हक बनता है। और आज यहाँ 10 लाख के आसपास जो है जॉब वैकेंट पड़ी हैं और भरी नहीं जा रही। लोगों का हक बनता है उनको रोजगार मिले, बच्चों को हमारे बनता है, नहीं बनता मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बनता है ना? लोगों का हक बनता है कि हमारी बहनों को जो है सिक्योरिटी मिले, उनको भी जिस तरह दिल्ली के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मैं पिछले 2 दिन से कश्मीर में हूँ, मैंने यहाँ देखा, मैं कुलगाम भी गया, मैं अनंतनाग भी गया और भी दीगर जगह गया, लेकिन यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मैं समझता हूँ अगर किसी को रात को अगर कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़े तो यहाँ मुझे लगता है सरकारी सवारी नहीं मिलेगी। हमारा यहाँ बनता है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्स, यहाँ भी अस्पताल जो है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनने चाहिए, यहाँ लोगों को इलाज मुफ्त मिलना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारे बुज़ुर्गों को जो है उनके खर्चे के लिए, क्योंकि वो जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनको इज्जत भी चाहिए और उनको सिक्योरिटी भी चाहिए और उनको सेफ्टी भी चाहिए, तो उनको पेंशन की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे वो अपना इलाज करा सकें। क्योंकि जो आप लोग टैक्स देते हो और गवर्नमेंट के पास आता है, किसी भी तरीके से जनरेट होता है, वो अगर वापस आप लोगों को मिल जाए, मैं समझता हूँ वापस कश्मीर की आवाम को मिल जाए, यही आम आदमी पार्टी की पॉलिसी है। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग किस चीज़ पे सियासत करते हैं, पिछले 70 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए, वो लोग जो सियासत करते हैं, आप सब लोग मीडिया वाले यहाँ पे और आम आवाम भी इसे सुनेगी, वो सियासत करते हैं इमोशंस को लेके। 5 साल में एक बार आते हैं, आप लोगों का वोट लेते हैं, और यहाँ के लोग वोटिंग परसेंटेज क्या है, लोग क्यों वोट नहीं देते? क्योंकि उन्हें पता है कि ये 5 साल में एक बार आए, वोट लेंगे इमोशंस के ऊपर और चले जाएंगे, डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते। आज हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को रोज़गार देने की, हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की, हमें ज़रूरत है कश्मीर का डेवलपमेंट करने की। इन बातों की, मुद्दों की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, और कोर्ट में ये मैटर है, कोर्ट में है ये मैटर। और उन लोगों को जो सियासत करनी है, वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपके बच्चों के लिए अगर बनाने होते तो 70 साल में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनते, या कश्मीर के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इतने आमदनी के ज़राए हैं कि यहाँ बच्चे बच्चे के पास रोज़गार होता है, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ होती, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी वर्ल्ड क्लास होता। माशाल्लाह जितने लोग कश्मीर को घूमने आते हैं, और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कम से कम एक बार कश्मीर को जाके ज़रूर देखें। मिनिस्टर, आपको लग रहा है कि 370 हटाना जरूरी था, जैसे बीजेपी ने कहा कि डेवलपमेंट में ये आड़े आ रहा था, तो व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस 370?
देखिए, मैं बीजेपी के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि उनका स्टैंड क्या है वो जाने। मैं आम आदमी पार्टी की बात आपके सामने रखा हूँ। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी, और इंशाल्लाह वो आप लोगों के कश्मीरियों के साथ शाना बशाना मिलके कश्मीर का इंशाल्लाह डेवलपमेंट करेंगे। बच्चों को रोज़गार भी देंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी देंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा करेंगे यहाँ का। यहाँ कश्मीर की को जो 70 साल में नहीं मिला इंशाल्लाह वो देंगे। देखिए, 370 का मामला कोर्ट में जुडिक्स है, और कोर्ट में जो मामला जुडिक्शन में है उस पर मैं क्या बोलूँ। देखिए, यहाँ अभी मुद्दा जो है ना वो डेवलपमेंट का मुद्दा है। आप लोग जो यहाँ पे जो दूसरी पार्टियाँ सियासत करती हैं, आम आदमी पार्टी बिल्कुल उससे अलग है, सिर्फ डेवलपमेंट की बात करती है, कश्मीरियत की बात करती है। देखिए, जबाने कोई कुछ भी बोल सकता है। नहीं, मैं एक बात और वाजे कर दे देखिए, आम आदमी पार्टी जो भी मैनिफेस्टो बनाती है या जो भी वर्क करती है वो पब्लिक के बीच में जाके करती है, और जो जिस इलाके की जो परेशानियां होती हैं या जो वहां पे डेवलपमेंट का काम करना होता है या जो भी मुद्दा होता है वहां का, इलाके के लोगों से मशवरा करके फिर उसके बाद उस पर काम किया जाता है। सर, आपने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जो कश्मीर में वो भी में अगर आई तो जेड के में भी जो दिल्ली की तरह इंशाल्लाह। कश्मीर में पहले से जो सरकारें रही है वो डिमांड कर रही है कि जो यहाँ पर बिजली प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको कश्मीर में पहला मतलब जो एजेंड को पहला राइट दिया जाए। नहीं देखिए, अभी यहाँ इतने मैंने आपको क्या कहा, यहाँ इतनी नेचुरल रिसोर्सेज है, एक प्लांट की जगह 20 लग सकते हैं, और उन प्लांटों में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। एक एक प्लांट में लगभग 20,000 लोग काम करेंगे तो लाखों लोगों को कारोबार भी मिलेगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तो यूज़ होगी होगी, बाहर की स्टेट्स को भी आप दे सकते हो। अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है कश्मीर को।